नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बापीदा में स्वागत है। दोस्तों हमारा इस चैनल से सांपों से जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। और अगर आपके कोई भी मन में सवाल रहता है सांपों से जुड़ी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपका कमेंट का हम लोग वीडियो बना के आपको पर में दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों जो भी हमारे मित्र है जो जैसे कमेंट करते हैं, हमको एक डायरी में हम लोग नोट करते जाते हैं और हर वीडियो हम लोग पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को दिखाते हैं। कोई दोस्त अगर सोचते हैं कि आज कमेंट करें कल वीडियो मिले, तो दोस्तों सॉरी, हम इसको पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं, आपके वीडियो जरूर बनेंगे, थोड़ा सा लेट हो सकता है। दोस्तों हमारे इस चैनल में आज जो भी नए हैं सब्सक्राइबर, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के दो ऐसे सांप है जिसका नाम है कॉमन करेथ, इंडियन कॉमन करेथ और एक बेरेडुल या उल्फ स्नेक। उल्फ स्नेक में जितने सांप है लगभग सिमिलरिटी थोड़ा सा है, पर कॉमन करेथ का सिमिलरिटी बेरेडुल स्नेक। तो बेरेडुल स्नेक ये तो है नहीं, ये कॉमन उल्फ स्नेक है, पर हमारा पास एक आज मॉर्निंग में रेस्क्यू हुआ था ये बेरेडुल स्नेक। इस सांप को हम छोटा सा इसको हम लोग आज जंगल छोड़ने जाएंगे। तो दोस्तों ये बेरेडुल स्नेक आप देख रहे हैं और ये कॉमन करेथ देख रहे हैं, दोनों में लगभग सिमिलरिटी एक तरह लगता है। और ज़्यादातर इंसान जो इसको दोनों को जो है करेथ समझ लेते हैं, इसको कभी करेथ समझ लेते हैं, इसको कभी करेथ समझ लेते हैं और इसको बेरेडुल समझ लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे इंसान को अगर ये भी बाइट कर लेता है बेरेडुल स्नेक, तो ये करेथ समझ के होपलेस हो जाते हैं और हाइपरटेंशन से उनका मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये दोनों का डिफरेंसेस, ये बेरेड कॉमन करेथ का जो है ये इसका बॉडी ब्लैक और बॉडी में धारी धारी रहता है, वो भी वाइट में रिंग रहता है और ज़्यादातर ड्यूअल रहता है। ड्यूअल जो रिंग रहता है ये एक दूसरे से सटा रहता है, दोनों जोड़ा में रहता है दोनों रिंग, जिस तरह आप देख रहे हैं इसके जो पूरे सर से लेकर के पूंछ तक इसका रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो बेरेडुल स्नेक है, जो ये हम दिखा रहे हैं बेरेडुल, इसका जो बैंडेड होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, पर मुंह से शुरू होता है, पूंछ की तरफ धीरे धीरे इसका पतला होने लगता है। दोस्तों जिस तरह आप देख रहे हैं, देखिए पूंछ का तरफ धीरे धीरे पतला होता है और इसका जो थोड़ा सा अस्पष्ट होता है। लेकिन इसके जो कॉमन करेथ का है, इसका बैंडेड जो है कंटिन्यू सर से बना हुआ रहता है पूंछ तक। ये दोनों में सिमिलरिटी ये है, इसका जो सर होता है सर का पास कॉलर होता है और इसका जो है कॉमन करेथ का कॉलर नहीं होता। जैसा देखिए ये भी देखिए बेरेडुल स्नेक का, इसका देखिए इसका भी सर का पास जो है कॉलर होता है, ये देख रहे इस तरह कॉलर होता है, इस तरह कॉलर होता है और इसका मुंह जो है थोड़ा सा चेप्टा होता है और इसका राउंड होता है। और कॉमन करेथ का जो है जीभ और मुंह का अंदर का जो भाग है ये पूरी तरह लाल होता है, पर इसका ऐसा नहीं होता। इसका कॉमन करेथ बेरेडुल और कॉमन उल्फ का जो आँख थोड़ा बड़ी होता है और ये जो है पॉइजनस नहीं होता, ये एकदम जहरीला नहीं होता ये बेरेडुल और ये कॉमन उल्फ। और लेकिन ये जो इंडियन कॉमन करेथ है ये बहुत ही जहरीला होता है और न्यूरोटॉक्सिन होता है। दोस्तों आप ये हम दिखाने कोशिश किए हैं, ये डेंजर है भनमस है, इसलिए ये हम बनाया गया स्माइल दिया हुआ है, ये मार्क बना है, इसलिए ये जो है जहरीला नहीं है आपका बेरेडुल और ये कॉमन उल्फ। आज हम कॉमन उल्फ भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी हमारा रेस्क्यू हुआ है और इसको भी आप देखेंगे अभी ठंडी में एक्चुअली ये जो है हाइबरनेशन में चल जाता है। ये देखिए कॉमन उल्फ, दोस्तों इसका जो पैटर्न होता है ये करेथ की तरह पैटर्न नहीं होता है, लेकिन इसका जब स्केल जो पुराना धीरे धीरे हो जाता है तो ये थोड़ा डार्क में आता है। इसके जो पैटर्न है ये योलिस में होता है थोड़ा सा, और ये ऊपर का पतला और साइड में धीरे धीरे चौड़ा होते जाता है। दोस्तों और इसका मुंह जिस तरह हम बनाए हैं दिखाए हैं इसमें भी है, इसका चेपटा होता है और इसका भी जीभ लाल होता है, पर मुंह का बहुत ज़्यादा लाल नहीं होता, हल्का पिंक होता है, पर ये कॉमन करेथ का जो जीभ होता है पूरी तरह लाल होता है। दोस्तों तो ये दोनों सांप का आज हम सिमिलरिटी बताएं दोस्तों, और ये दोनों को सांप को कभी भी आप देख लें तो ये तो जहरीला सांप है, इसके बारे में हमारे वीडियो बना दिखाया गया, क्योंकि ज़्यादातर ये रात मिडनाइट में बाइट करता है और ये अक्सर घर में ही रहता है और ज़्यादातर मिट्टी का कच्ची जो मकान होता है उसमें ज़्यादातर ही दिखाई पड़ता है। तो ये बंगाल तरफ हम लोग सुनते हैं घर चित्ती और ये इसको कहा जाता है, और इधर भी झारखंड बिहार में भी इसको घर चित्ती बोलते हैं। और कभी कभी हम देखे हैं इस सांप काटने का बाद भी बहुत जगह में हम देखे गाँव देहात में मृत्यु हो चुका है, लेकिन ये स्नेक वाइट जो है इसका वेनम से मृत्यु नहीं हुआ, सिर्फ इसे हाइपरटेंशन, इसे हदस, इसका डर से
हार्ट फेल होने से ही मृत्यु हुआ। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर आसपास ये सांप दिखाई पड़े, ये आपका बैरेड रूप स्नेक दिखाई पड़े, तो इसको करज ना समझे और इससे जो है कभी डरे नहीं। अगर बाइट कर ले इससे कुछ नहीं, आप आसपास थोड़ा साफ पानी से धो ले और उसे कोई चीज का, कोई एंटीवेनम, कोई चीज मेडिसिन देने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इसी तरह आप सबको वीडियो हम बनाते जाएंगे। जय हिंद।